सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो आप दूसरों के सोशल मीडिया देखकर प्रभावित होते हैं वो केवल उनके जिंदगी की लाइमलाइट से, असल जिंदगी कुछ और ही होती है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ प्रेम है। ईश्वर तो कड़कड़ में है, फिर भी इंसान इन्हें मंदिर, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होती है। आज का पंचांग 22 मई 2024 दिन बुधवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 7:46 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात 2:55 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 22 मई 2024 दिन बुधवार, कोई रहस्य गलती अभी आपको परेशान कर रही है। किसी सलाहकार या शिक्षक के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करें। बुराइयों या बुरा व्यवहार आपके स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय आध्यात्मिकता और ध्यान के बारे में सोचें या राहत के लिए कोई यात्रा करें। इसीलिए अब संचालन भी उसी पैमाने का करें। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए आपको अपनी जीवन को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भौतिक और असली चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपनी अपेक्षाओं में यथार्थवादी रहना आपको लंबे समय तक मदद भी करेगा। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूरी है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। क्षणिक गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत बने रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने में कोई मौके बनेंगे। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। नए विचारों और आइडिया को जांचने का बेहतरीन वक्त है। जीवन साथी की वजह से आपको कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। समय का सदुपयोग करें। थोड़ी सी सावधानी और आत्मविश्वास से अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। युवाओं को भी उपलब्धि हासिल होने से सुकून मिलेगा। लोगों की आलोचनाओं की वजह से कोई काम अचानक से ही आपके द्वारा रोका जा सकता है। खुद को प्रेरित बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल हर एक व्यक्ति से खुद को दूर रखकर जो बातें महत्वपूर्ण है उन्हें हासिल करने के लिए प्रयत्न करते रहें। पुराने मित्रों के साथ अचानक मुलाकात हो सकती है। युवाओं को काम संबंधित अवसर स्वीकार करने की भी जरूरत है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के बाद अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव करना संभव होगा। रिलेशनशिप में बदलाव करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। नींद पूरी न होने से थकान हो सकती है। सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होगी और कार्य समय पर होंगी। दोपहर में धन की कमी से परेशान होना पड़ सकता है। व्यय की अधिकता रहेगी। ऋण संबंधित मामलों में परेशानी आएगी। व्यापार में नए झंझट हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। रात को अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, ध्यान रखें। समय अच्छा रह सकता है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। सभी ओर से प्रशंसा और सहयोग भी मिलेगा। धन की आवक अच्छी रहेगी। नए लोगों से संपर्क होगा और कार्य समय पर होंगे। संभल कर रहें और अनजान से व्यवहार नहीं करें। शाम को व्यय की अधिकता होगी। वैवाहिक साथी से दूर रहना पड़ सकता है। सावधानियां, आज कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, इस वजह से मन कुछ उदास रहेगा। अगर घर में कोई नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी करते समय उसकी क्वालिटी और अपने बजट का जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका पार्टनर समझदार है, इसीलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी भी सुखद है।
अपने गुप्त रिश्ते को दुनिया के सामने लाने के लिए यह उचित समय है। पैसों और प्यार में से आप आज पैसों को अधिक महत्व दे सकते हैं। आप कुछ मामलों को लेकर परेशान हो जाएं, किंतु इसमें खास रिश्ते को शामिल न करें। बातों को दिल में रखने की बजाय आज साहस जुटाकर उसे बता ही दें। इसके लिए एक खत का प्रयोग जादू का काम करेगा। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना रहे हैं। आपके इस नए अफेयर की शुरुआत काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़वे अनुभव को रुकावट न बनने दी। अगर आपको डर लग रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। बात करते हैं करियर की। आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ें। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्रभावित करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचें, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। किसी खास की बीमारी से आज आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं। अचानक प्राप्त हुए धन का सही प्रयोग करें। अभी आप कुछ मजेदार करना चाहते हैं, इसके लिए लॉन्ग ड्राइव या पार्टी का सहारा ले सकते हैं। बुराइयों और पाप से खुद को दूर रखें और अपने करीबी लोगों को भी बचाएं। आज आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे से जानते हैं और कार्यस्थल में भी आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने वित्तीय जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान रहे, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमेशा बेहतर सोचना चाहिए। व्यवसाय में क्वालिटी को बेहतर बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। अच्छी क्वालिटी के उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से ही ग्राहकों का विश्वास बना रहता है, जो आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक है। आपका तर्क सही है। जोखिमपूर्ण कार्यों से रुचि न लेना बेहतर है, बजाय इसके जो आपको व्यवसाय में क्वालिटी को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं, एक अच्छा विकल्प है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपको नए और सुधारित प्रकार से अपने काम को संचालित करने की दिशा में सहायता मिल सकती है, जो आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। बात करते हैं सेहत की। हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने की मूड में ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी ज्यादा हर्बल चाय बनाकर पिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।